नमस्कार, आप सभी का नव्या में हार्दिक स्वागत है। आज हम स्पोकन सीरीज में एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में आदेशात्मक आज्ञासूचक वाक्य कहा जाता है। यह चैप्टर ग्रामर चैप्टर होने के साथ साथ स्पोकन चैप्टर भी है। आप इसे स्पोकन के तौर पर भी ले सकते हैं और इसके द्वारा अपनी लैंग्वेज में फ्लुएंसी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की परिभाषा के बारे में। यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने इसकी डेफिनेशन दी गई है हिंदी के अंदर, जो कि इस तरीके से देखिएगा। जब हम किसी वाक्य में सलाह, विनती, आदेश, आज्ञा एवं प्रार्थना आदि का भाव स्पष्ट करते हैं तो उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसे आप अंग्रेजी में समझ सकते हैं, ए सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। जहाँ तक मुझे लगता है, ये दो डेफिनेशन देखकर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसकी डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगी। इसे मैं एक आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। इसकी डेफिनेशन है, अगर कोई भी हिंदी या इंग्लिश का सेंटेंस या वाक्य जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यानी कि क्रिया के प्रथम रूप से शुरू हो तो वो वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस का कहलाता है। दोबारा नोट कीजिएगा, अगर किसी वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हो तो वो वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस का कहलाता है, जो कि आपके सामने डिस्प्ले दी हुई है। आप उसके अंदर भी देख कर पहचान सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी इसकी डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है तो आप इसे एक आसान तरीके से भी समझ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब हम आगे पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है ओपन द डोर, दूसरा एग्जाम्पल है रीड द बुक्स। आप इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए, हमने इन दोनों ही वाक्यों में पहले स्थान पे ओपन और रीड का प्रयोग किया, जो कि मैन वर्ब है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले स्थान पे रखी जाती है, क्योंकि ये जो सेंटेंस होते हैं ये होते हैं आदेशात्मक, जिनके अंदर पांच चीज़ होती है, जैसे कि रिक्वेस्ट, जैसे कि ऑर्डर, जैसे कि प्रोहिबिशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, आपके सजेशन। तो ये पांच चीज़ें आपके इस सेंटेंस में होती है। हम इन सेंटेंस के द्वारा किसी को कमांड देते हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, किसी से हम सजेशन मांगते हैं या देते हैं, और कई बार हम प्रोहिबिशन हम नेगेटिव सेंटेंस स्पष्ट करते हैं। तो इसीलिए हम आदेशात्मक वाक्य यूज़ करते हैं। इसीलिए इन दोनों वाक्यों में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, जैसे कि दरवाज़ा खोलो, किताबें पढ़ो, ये वाक्य आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं इसके इम्पेरेटिव सेंटेंस के प्रकार कितने हैं। ये छह प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, दूसरा होता है प्लीज़ एवं काइंडली, तीसरा होता है डोंट, चौथा होता है नेवर, पांचवा होता है लेट और छठा होता है लेट्स एंड वी शुड। ये छह प्रकार के इसके प्रकार होते हैं, छह इसके टाइप्स होते हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, और हम इन छह टाइप्स को अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा क्रिया का प्रथम रूप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। क्या मतलब होता है? जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, कहने का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज्ड एट द फर्स्ट प्लेस इज कॉल्ड द इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड दैट इज़ द मेंशन बिफोर दैट हियर, जो कि पहले मेंशन किया जा चुका है। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आप इसके पांच एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ जूम कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, हेलमेट उतारो, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो हमने इसमें मेन वर्ब सबसे पहले यूज की, रिमूव योर हेलमेट। दूसरा है मुझे जवाब दो, रिप्लाई मी। पुलिस को बुलाओ, कॉल द पुलिस। लाइट बंद करो, स्विच ऑफ द लाइट। मुंह पोछो, वाइप योर माउथ। क्या है इसमें अलग? सबसे पहले आप देखिए, इन पांचों सेंटेंस में हमने मैन वर्ब का पहले स्थान पे यूज किया, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है कर्म उसको हमने बाद में यूज किया। बस इतनी सी इसकी पहचान होती है। आपको हमेशा यही ध्यान रखना है, जब भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म को पहले स्थान पर रखना है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट रखना है जो आपके डिस्प्ले पे दिया गया है। इसके बाद दूसरा होता है प्लीज़ एवं काइंडली।
इसमें क्या होता है, जब भी सेंटेंस की शुरुआत प्लीज और काइंडली से हो और उसके अंदर आदेशात्मक भाव हो तो वहाँ पे हम इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको प्लीज़ और काइंडली को रखना है, उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये एक आपका फॉर्मेट हो गया, एक मेथड हो गया कि आप किस तरह से इसके यूज आप इसे किस तरीके से यूज करेंगे। अब आता है कि हम इसके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इसे प्लीज़ और काइंडली को पहले स्थान पर यूज कर सकते हैं। देखिए, कृपया सच बोलिए, प्लीज स्पीक ट्रू, कृपया मेरा साथ दीजिए, काइंडली कोऑपरेट मी, कृपया उसे बचाइए, काइंडली सेव हर, कृपया चुप रहिए, प्लीज कीप क्वाइट, कृपया खाना खा लीजिए, प्लीज ईट फूड। आप इन पांचों सेंटेंस में देख सकते हैं कि हमने आवश्यकता अनुसार प्लीज और काइंडली का पहले स्थान पर प्रयोग किया, उसके बाद में हमने मेन वर्ब को यूज किया और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को यूज किया जो कि आपके डिस्प्ले पर दिया गया है। ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में, ऊपर वाले फॉर्मेट में नीचे वाले फॉर्मेट में कोई फ़र्क नहीं है, केवल इतना सा फॉर्मेट है कि यहाँ थोड़ी फीलिंग अच्छी आती है और हम रिक्वेस्ट की फीलिंग यूज़ करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म से पहले प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग करते हैं। बस इन दोनों में इतना सा फ़र्क है। अब हम पढ़ते हैं आपके सामने तीसरा फॉर्मेट जिसका नाम है डोंट। डोंट का मतलब आप खुद समझते हैं, डोंट का मतलब होता है नेगेटिव और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। जब भी आप अपना नकारात्मक भाव स्पष्ट करते हैं उस समय हम इस चीज़ को यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे आप इसे देखिएगा कि डोंट को हम पहले स्थान पर रखेंगे, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे जो कि फॉर्मेट आपका डिस्प्ले दिया गया, आप देख सकते हैं डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इसके एग्जाम्पल देखिए, मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, यहाँ उल्टी मत करो, डोंट वॉमिट हियर, मेरे को चिढ़ाओ मत, डोंट टीज मी, उसका पीछा मत करो, डोंट फॉलो हिम, फालतू पैसे खर्च मत करो, डोंट ब्लो अप। इन पांचों एग्जांपल में क्या खास बात नज़र आ रही है कि इन पांचों सेंटेंस में हमने पहले स्थान पर डोंट का प्रयोग किया क्योंकि ये नकारात्मक है, दूसरे स्थान पर हमने मेन वर्ब का प्रयोग किया और तीसरे स्थान पर अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। केवल नकारात्मक फीलिंग के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों जो फॉर्मेट जो आपके सामने एक्सप्लेन किए गए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चौथे फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है नेवर। नेवर का मतलब क्या होता है? नेवर का हिंदी अर्थ होता है कभी नहीं। जब आप आदेशात्मक वाक्य बोल रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं और वहाँ हमें ऐसा लगता है कि ये वर्ड यूज़ करना हो कभी नहीं, कभी मत करना, ऐसे वर्ड्स के लिए, ऐसी फीलिंग के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। किस तरीके से करते हैं आप देखिएगा, यहाँ पे क्या चेंज होगा, हम रिप्लेस करेंगे डोंट को, डोंट की जगह हम नेवर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा जैसा हम करते आए हैं, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। केवल हमें पहले स्थान पर ध्यान रखना है कि हमें क्या चीज़ का परिवर्तन करना है। हमें यहाँ पर नेवर का प्रयोग करना है डोंट के स्थान पर क्योंकि ये भी नेगेटिव वाला फीलिंग है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाली फीलिंग आती है। तो आप देखिएगा इसके एग्जांपल, कभी भी जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो तो हम डोंट का प्रयोग करेंगे, लेकिन कभी भी जल्दबाजी मत करो यानी कि ऑलवेज हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, इसका मतलब ये होता है फॉरएवर के लिए ये यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर नेवर का प्रयोग करेंगे डोंट के स्थान पर। कभी भी गुस्सा मत करो, नेवर गेट एंग्री, कभी पैसा उधार मत दो, नेवर रेंट मनी, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, नेवर अंडर एस्टिमेट योर फो। देखिएगा हमने यहाँ पे इनेमी की जगह फो का यूज़ किया है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी किसी पे हंसो मत, नेवर लाफ एट एनीवन। इन पांचों सेंटेंस में कॉमन चीज़ क्या है कि हमने डोंट की जगह नेवर का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पे कभी मत आ रहा है, कभी मत करना ऐसी फीलिंग को एक्सपोज करने के लिए, रिवील करने के लिए हम डोंट के स्थान पे नेवर का प्रयोग करते हैं। बाकी चारों फॉर्मेट में सेम चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे यूज़ की। इसके बाद हम पढ़ते हैं लेट्स के बारे में, वी शुड के बारे में। लेट्स का मतलब होता है हम किसी के सामने किसी कार्य के लिए, किसी एक्शन के लिए हम जब किसी को सजेशन देते हैं तो उसके लिए हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। इसका सेटअप क्या होगा, लेट्स ऑब्लिक वी शुड, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, वी शुड भी रख सकते हैं एज ए सब्जेक्ट और एज ए सब्जेक्ट आप लेट्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ गाना गाते हैं, लेट्स सिंग सॉन्ग, चलो सोते हैं, लेट्स स्लीप, आओ कंप्यूटर सीखते हैं, लेट्स लर्न कंप्यूटर,
चलो सफाई करते हैं, लेट्स टू क्लीन। इन पांचों सेंटेंस में कॉमन चीज क्या, लेट्स का प्रयोग। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप लेट्स की जगह वी शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, बाकी चीजें सारी सेम टू सेम होगी, इक्वल होगी। उसके बाद हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जैसा हम करते आए। केवल लेट्स का प्रयोग हमें पहले स्थान पे करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम किसी को एक्शन के लिए सजेशन दे रहे हैं। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल चैप्टर आप देख सकते हैं, यहाँ लेट्स का हिंदी अर्थ होगा करने दो। हम जब किसी को परमिट करते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं और आपको करने दिया जाए, तो उसके लिए हम लेट का प्रयोग करते हैं। ये आज्ञा मांगने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको समझना है इसका फॉर्मूला, आई मीन सेटअप। सबसे पहले आप लेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में थर्ड पार्ट ऑफ द प्रोनाउन, यानी कि जो प्रोनाउन के थर्ड पार्ट होते हैं, जैसे कि आई का मी, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, यू का यू, ये आपके थर्ड पार्ट होते हैं जो आपके दूसरे स्थान पे यूज होंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले आप यूज करेंगे लेट, उसके बाद में थर्ड पार्ट ऑफ द प्रोनाउन जो कि मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म को, और उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट यूज होगा। कैसे यूज होगा आप देखिएगा इन पांचों एग्जाम्पल में। मुझे जाने दो, लेट मी को, लेट रूल्स के हिसाब से पहले स्थान पे आया, उसके बाद मी आपका थर्ड पार्ट है आपके प्रोनाउन का, उसके बाद हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग है। उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड, उन्हें कंप्यूटर सीखने दो, लेट देम लर्न कंप्यूटर, हमें सच बोलने दो, लेट अस स्पीक ट्रू, उसे आने दो, लेट हर कम। आप इन पांचों सेंटेंस में क्या इक्वल देख रहे हैं, लेट का प्रयोग। उसके बाद में हमने प्रोनाउन के थर्ड पार्ट का प्रयोग किया, और उसके बाद हमने मेन वर्ब का प्रयोग किया। आगे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छः आपको इसके प्रकार इम्पेरेटिव के समझ में आएंगे। छः इम्पेरेटिव प्रकार होते हैं इन सेंटेंसेस के, जो आपके सामने रिवील किए गए और एक्सप्लेन किए गए आपके सामने, और उम्मीद करता हूँ आपको सारे एग्जाम्पल और सारे इसके जो टाइप्स है वो समझ में आएंगे, इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। मैं एक बार पुनः आपके सामने इसकी डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी हिंदी या इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो वो इम्पेरेटिव कहलाता है। इम्पेरेटिव के छः प्रकार होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है क्रिया का प्रथम रूप, दूसरा प्लीज़ और काइंडली, तीसरा डोंट, चौथा नेवर, पांचवा लेट और छठा लेट्स एंड वी शुड। छः जो इसके टाइप्स होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस की शुरुआत होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, और इन छहों टाइप्स में जो सेंटेंस बनेंगे उसके पहले हम यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नेवर का प्रयोग करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे, लेट्स का प्रयोग करेंगे, प्लीज का प्रयोग करेंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है, समझ में आता है, आपके हर जो डाउट्स है वो क्लियर होते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।